तो हरियाणा न्यूज पे लगातार आप हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं, तमाम हलकों में पहुंच रहे हैं और आज प्रसला का हाल आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से तमाम चीजें आपने देखी, तमाम तस्वीरें आपने देखी, लेकिन प्रसला का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक साहब कितना काम करवा पाए और अब फिर से जब परीक्षा आने वाली है तो कितने तैयार हैं? बात करने के लिए हमारे साथ प्रसला से विधायक नयनपाल रावत हैं। निर्दलीय जीत के पहुंचे विधानसभा, काम करवा पाए? जी बिल्कुल, पूरा काम कर पाया। हर प्रकार की सुविधा जो मेरे क्षेत्र को चाहिए, मेरे क्षेत्र के लोगों को चाहिए। और इस काम के साथ साथ, काम तो इस 75 से 76 साल की आज़ादी में सभी ने, किसी ने कम या किसी ने ज़्यादा कराए, लेकिन जो मान सम्मान कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिला वो मेरे द्वारा शायद मेरी जनता को मिला है। और ऐसा सत्कार शायद कोई विधायक इनका नहीं कर पाया होगा। आपने देखा होगा इतनी भरी गर्मी में, अभी दफ्तर पे जब ये लोग व्यूज़ बना रहे थे तो कम से कम 400-500 की तादाद में लोग मेरे पास हैं। और मैं जब तक कोई नहाना धोना नाश्ता नहीं करता जब तक मैं लोगों की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। रोज का आपका नियम है? मेरा रोज का नियम है, जब जब मैं फरीदाबाद में हूँ मेरी जनता जनार्दन इसी प्रकार से आती है, हजारों की तादाद में मैं करता हूँ। और कभी 5 बजे कभी 6 बजे, आप ये मान के चलिए कि मुझे ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता। मेरा भोजन, मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, डिनर मेरी जनता के दुख को निकालने में, खत्म करने में, तो मैं इस प्रकार का कार्य करता हूँ। ठीक है, बहुत से काम आपने करवा दिए, यानी कि एकदम फुल नंबर दे रहे हैं अपने आप। देखिए जनता देगी नंबर तो, और जनता मुझे नंबर हमेशा रोज दे के जाती है। और ये लग जाता है, जैसे आज अगर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव की बात करूँ, मैं इंडिपेंडेंट जनता जनार्दन ने जिताया, मैं जीता नहीं, मुझे जिताया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जीतना सहानुभूति की लहर होती है कि भाई 2-3 चुनाव हार गए और इस तरह से ये बात है। लेकिन मैंने MLAs को देखा है, मैं MLAs के साथ रहा हूँ। जब चुनाव का समय आता है तो धीरे 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 लोग वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, और इस समय पे बहुत कम लोग जो है ना मिलने के लिए रह जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा लोगों को मैंने जोड़ा है। आप कभी मेरे क्षेत्र में जाकर देखेंगे या लोगों के व्यूज लोगे, तमाम क्षेत्र में जाकर घूम कर ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर कैमरे में कैद करके अलग अलग तस्वीरें लेकर आए हैं। आप कह रहे हैं बहुत सारी सहानुभूति हो गई थी और लोगों ने आपको जितवा के भेज दिया विधानसभा, हम भी ग्राउंड जीरो पे गए। गांव की हालत हमें हालांकि बहुत ही खस्ता लगी, सड़कों की हालत अगर मैं पूछूं तो आधी बनी है आधी नहीं बनी, कुछ बनी ही नहीं, कुछ शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे में गांव से आपको लगता है इस बार परेशानी नयनपाल रावत के लिए हो सकती है? देखिए परेशानी होना ना होना ये तो आप 2 महीने 3 महीने के बाद रिजल्ट बताएगा, लेकिन अगर आप मेरे क्षेत्र में गए होंगे तो आपको एक एक सवा सवा फुट के जो लेंटर हैं, जो कदीमी में सड़कें टूटी हुई थी, अगर आप सड़कों की बात करते हैं तो पूरे हरियाणा में प्रथला विधानसभा में सबसे ज़्यादा पैसा सड़कों पर खर्च हुआ है। और ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जिनकी 10-10 साल की गारंटी में जो बनी है, जिनकी जो कभी रिपेयर नहीं हो पाती थी, उन सड़कों को मैंने इस तरीके से बनाया है। मात्र 6 से 22 सड़कें मैंने जो कदीमी कच्ची थी, जो इतिहास से कच्ची थी, उनको मैंने पक्का करने का काम किया। खेतों के रास्ते अगर मैं कहूँ तो लगभग 5,26,00,000 रुपए के मेरे खेतों के रास्तों के काम चल रहे जो कभी नहीं चलते थे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेहरबानी से, सरकार की मेहरबानी से सबसे ज़्यादा पैसा मैं क्षेत्र के लिए लाने में कामयाब हुआ हूँ। जिस समय सभी MLAs को 25-25 करोड़ रुपये सड़कों के सुधारीकरण के लिए मिल रहे थे, उस दौरान 300 करोड़ की सड़कों पर CM कोड लगवा के और उन सड़कों को पास कराकर मैंने मेरा काम शुरू कर रखा है। आप गांवों में गए होंगे, सभी गांवों की फिरनी के, अंबेडकर भवन के, लगभग 200 करोड़ रुपये ऐसे हैं जो मैं क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के गाँवों के लिए लेकर के आया हूँ। और मैं नहीं समझता कि मेरे गाँवों को, और मैं आपको एक बात भी इसके साथ साथ जोड़ दूँ कि केवल डेवलपमेंट ही जनता का ध्येय नहीं होता, जनता को प्यार मान ये भी साथ साथ मिले और दान भी साथ साथ मिले, तो इन 3 चीज़ों में मैं शायद किसी को हाथ नहीं आऊँगा, इतना आगे मैं अपने क्षेत्र की जनता के लोगों में मन में बसता हूँ। हम जब लोगों से बात करने पहुँचे, हम भनकपुर भी गए और वो पूरी रोड जो मेन रोड से भनकपुर की तरफ जाती है, हमारे कैमरे में कैद है, हालत पूरी जर्जर है, सीवर का पानी भरा हुआ था। लोग कह रहे हैं इस सड़क को बनाने में विधायक साहब ने बहुत पैसे भी लगाए, ये बन भी गई, लेकिन उसके बाद इसका सीवर का लाइन जो है उसको क्लियर नहीं किया गया और ये पानी का जो ब्लॉकेज आप देख रहे हैं उसकी वजह से। फिर आप अंदर चले जाइए, वो पूरी टूटी टूटी सड़कें आधी बन चुकी आधी नहीं बनी है। महिलाएँ हमें मिली, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ शिकायतें और लोगों की परेशानियाँ। भनकपुर से मैंने देखा पैदल चल रही थी और आगे दूसरे गाँव तक जा रही थी, मैंने रुक के पूछा उनसे कि बहुत देर से मैंने उन्हें देखा कि आप पैदल जा रहे हैं, तो मैंने बोला पैदल कहाँ जा रहे हैं, तो वह कह रहे हैं यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना आपको कोई बस मिलेगी, ना कोई ऑटो मिलेगा, ना कोई रिक्शा मिलेगा, ना कोई और साधन मिलेगा, आपको पैदल ही हुई जाना पड़ता है और हमारा डेली का है। देखिए जहाँ तक आप बसेस की बात कर रहे हो,
तो बसेस जब जब हमने इंगलिंग रोड्स पर लगवाई हैं, बस को घाटा हमेशा होता है, क्योंकि ना गांव के अंदर की कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं मैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, जो लोकल रोड्स हैं, जो लोकल गांव बसे हुए हैं रोड्स पे, उन पे हमेशा बस खाली आती है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास साधन संसाधन है, और हमेशा जब बस को 2-3 महीने चलाया जाता है तो उसको सवारियाँ नहीं मिलती हैं। बस का तो कारण ये है। आपने एक रोड की बात कही है जो सीकरी से और ध्वज के लिए रोड जाती है, जो मेरी विधानसभा के सिकरौना गांव तक और फिरोजपुर गांव तक जाती है। इस रोड को 3 बार इसका रीस्टीमेट हमारा बना, और क्योंकि ये फाइनेंस कमेटी को जाना था, माननीय मुख्यमंत्री इसको पास करते हैं 20 करोड़ से ऊपर के पैसे को, 24.5 करोड़ रुपए की ये सड़क एक ऐसी सड़क बन रही है, क्योंकि इस सड़क को मैं 1 करोड़ में रिपेयर भी करवा सकता था, 2 करोड़ में भी रिपेयर करा सकता था, लेकिन इसके पीछे मेरा 1.5 साल खराब हुआ है, और 1.5 साल में सरकार ने इसको मंजूरी दे दी, और अब आप देख रहे होंगे कि जगह जगह से वो सड़क सीमेंटेड बनाई जा रही है। जहाँ तक आप ड्रेन की बात कर रहे हो, इसके दोनों तरफ ड्रेन है, अभी सड़क का लेंटर डल रहा है, उसके साथ साथ ड्रेन बनेगी, क्योंकि जो पानी है वो ड्रेन ना बनने की वजह से भरा हुआ है, और वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ, ये सड़क इस क्षेत्र की सबसे बड़ी लाइफलाइन होगी, इतना अच्छी सड़क बन रही है, आधी बन रही है, आधी नहीं बन रही, कुछ बनी नहीं है, तो अब पूरी बना देंगे, अगले टर्म तक बन जाएगी। नो टर्म तक, अभी इसी 1 महीने के अंदर, जहां तक मेरा विधानसभा लगता है उसमें इसको कम्प्लीट कर देंगे। तो नहीं, इलेक्शन आ रहे हैं तो खत्म कर रहे हैं, और ऐसी परेशानी तो नहीं, जो हमने हाल ही में वीडियो देखी, नैनपाल रावत परेशान थे, सरकार से समर्थन वापस लेने की बात चल रही थी, अधिकारियों से नाराज थे, तो फोन उठाना शुरू कर दिया अधिकारियों ने या नहीं? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट बता दूं कि जब से मैं विधायक बना हूं, मुझे कभी किसी अधिकारी से कोई तकलीफ नहीं हुई, हमेशा मेरा फोन उठा है, और केवल फोन उठा नहीं है, फोन कंसीडर भी हुआ है। अभी क्या प्रॉब्लम थी जो अधिकारियों को लेकर आपकी नाराजगी थी? डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, एक तो डेवलपमेंट के काम को स्लो स्पीड से करना, कुछ टेंडर प्रोसेस को जो लचीला करना था, क्योंकि जो 1-1.5 साल से पैसा मंजूर हुआ पड़ा है, उसके टेंडर प्रोसेस 3-3 बार होने के बावजूद भी वो टेंडर प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, और वो काम नहीं स्टार्ट हुआ। एक तो ये तकलीफ थी, कुछ अधिकारी गणों को लेकर के मेरी तकलीफ थी कि कुछ अधिकारी इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। और मैंने ये भी कहा, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं मिला, चाहे अभी के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, चाहे विप्लव देव जी से फ़ोन पर बात हुई हो, और या विधानसभा अध्यक्ष जी से बात हुई हो, मेरा एक ही कहना था कि मैं तो जैसे तैसे करके अपनी सीट निकाल लूँगा, सरकार नहीं आएगी भाजपा की, अगर इस तरह के अधिकारी भाजपा के विरोध में काम करेंगे, दूसरी पार्टियों के लिए काम करेंगे, तो मैंने केवल उनको एक ही सुजेशन दिया है कि ऐसे अधिकारियों को लगाया जाए जो आपके विधायकों को तकलीफ ना दें, आपके विधायकों के काम करें, दूसरी पार्टियों के हित में काम ना करें, भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करें। देखिए, अधिकारी को न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि केवल सत्ता की उंगलियों पर नाचना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज हम सत्ता में हैं, सरकार में, तो विधायक को इग्नोर करके दूसरी तरफ कोई काम कर दे या उलट काम कर दे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और मैं आपकी सुनने लगे हैं अच्छे से, काम डीले नहीं कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार आ जाएगी। देखिए, मैं ये ऑन कैमरा बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मैं भारतीय जनता पार्टी का ना तो सदस्य हूँ, ना मैं भाजपा का विधायक हूँ। टिकट तो मांग रहे हैं ना मित्रा से? मैंने टिकट के लिए डिमांड नहीं की है। नो, मैंने टिकट की नेगोशिएशन नहीं थी, समर्थन वापस लेने के बाद। बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, और मैंने ऑन कैमरा अपनी आज से 10 बार कह रखा है इससे पहले, कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहे कि भाई मुझे टिकट दें और मैं बीजेपी का विधायक बनूँ, ये डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी पे। मैंने केवल एक ही पार्टी को पसंद करता हूँ, वो भी भाजपा। भाजपा को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि दिल में है भाजपा, दिल में है भाजपा, मेरे ब्लड में है भाजपा, ब्लड में है भाजपा, और ब्लड में भाजपा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है, नेशन फर्स्ट। और हम भी ये जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हम अपने रोजमर्रा में कुछ भी काम करें, हम व्यापार करें, हम राजनीति करें, हम कुछ भी करें, लेकिन कम से कम इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इस देश के प्रति भी हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी को निभाएं। यही कारण है कि केवल मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूं, और ये आपके माध्यम से बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है तो भाजपा की टिकट, अन्यथा इंडिपेंडेंट, दूसरी पार्टी का टिकट नहीं होगा मेरे पास। कांग्रेस की सरकार आने की बात चल रही है, सुना आपने? कांग्रेस को तो हम लुटेरों की पार्टी मानते हैं। आज ये जिसका हिसाब मांगते फिर रहे हैं, ये अपने 60 साल का हिसाब आज तक जनता को नहीं दे पाए, और 75 साल की 76 साल की आज़ादी में, चाहे सेंटर की बात करें, चाहे स्टेट्स की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। और अगर ये लोग आज, आप डेवलपमेंट देख रहे होंगे माननीय मोदी जी के राज में,
लोकमान्य मनोहर और अब नायब सैनी जी के राज में। तो दिखे या ना दिखे लेकिन सबसे ज्यादा हर जगह कूड़ा, गंदा पानी जी, पानी की सप्लाई से गंदा पानी, टूटी सड़कें, ये ज्यादा दिख रहा है। देखिए मैडम जी, जब 50 साल की व्यवस्था खराब हो तो उसे 10 साल में कोई भी ठीक नहीं कर सकता। और इस देश के हर व्यक्ति का मन मानता है कि जब से माननीय मोदी जी को इस देश की बागडोर दी है, जब से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की बागडोर दी है, नए नए चीज़ें, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का इन्होंने काम किए। भ्रष्टाचार पर नकेल अगर किसी ने लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है। रही बात कूड़ा की या पानी की, ये व्यवस्थाएं हैं, 50 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को आप देख रहे हो कि आए साल जनरेशन में वृद्धि हो जाती है और उस जनरेशन के हिसाब से जो हमें 30 साल या 40 साल आगे के लिए सोच करके जो काम करना चाहिए वो कोई सरकार कर ही नहीं पाई। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें को संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे अगर लोग समय देते हैं, जैसे तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है और तीसरी बार स्टेट में भी सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश के 2,90,00,000 लोगों का भला होगा, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो जनहित में काम कर सकती है। मुना में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है, आपको लेकर भी है। हम लोकसभा चुनावों में गए तब भी लोग खासा नाराज थे, भनकपुर के भी लोग कह रहे थे कि अब हम नहीं वोट देंगे, फिर से वोट मांगने आएंगे। पिछली बार भी वोट मांगी थी उन्होंने तो रोए थे, हमें लगा कि नहीं इनको एक मौका देना चाहिए, हमने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे बीच में नहीं आए, हमारी तकलीफें नहीं देख रहे हैं। देखो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैं बीच में कैमरा है, यस ऑन कैमरा है, यस ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैं गया नहीं। एक डेट इन्होंने रखी थी शायद 22 मई या कितने 25 मई की थी, जो ये हमारे मोहना वाले किसान या ग्रामीण हमारा घेराव करने के लिए आना था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 4:30 बजे चंडीगढ़ से चला, फ्लाइट पकड़ के मैं सीधा उनके बीच में पहुँच गया और उनको हकीकत बताई कि मैं ऐसा कोई भी वादा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी प्रेजेंस में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी, तो मेरी जिम्मेवारी उसके लिए सबसे ज़्यादा बनती थी, जिसके लिए मैं 2 बार माननीय गडकरी जी से मिला, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से, और माननीय मनोहर लाल जी से मिला, उसके लिए यस भी कराया। और आपको पता होगा कि अब वो काम सिरे चढ़ गया, उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कल परसों ही अफसर आए हैं और वो काम सिरे चढ़ रहा है। रही चुनाव है इसलिए नो विधानसभा, इससे पहले लोकसभा चुनाव था, अगर हमें चुनावों का ही डर होता तो हम लोकसभा से पहले चिट्ठी ला के दे देते, चाहे झूठी ला के दे देते, क्योंकि लोगों की भावनाओं से खेलना हमारा काम नहीं है और हकीकत को मैंने जाकर बताया। रही बात मोहना की या अन्य गांवों की, देखिए मोहना गांव से भी आपने देखा होगा 4600 वोट पड़े हैं, 4600-4700 2000 वोट भारतीय जनता पार्टी को तब मिले जब वहाँ पर पोतला फूके जा रहे हैं, सब जीत थी, तो 2000 वोट जब मिल गई। और मेरा जो सिनेरियो कह रहे हैं पैसों का खेल चला है पूरे लोकसभा चुनाव में, ऐसा पैसे का कोई खेल चला क्या? ऐसा है, अगर पैसे से चुनाव जीतते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप जानते हो 10 साल की सरकार में व्यापार और सरकार में पैसा जमा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे खजाने के मालिक भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो अल्पमत की खजाना बनाना बनाया है, नहीं अल्पमत की जो सरकार, खजाना बनाने का मौका मिला कि नहीं? आई कंप्लीटेड, जो अल्पमत की सरकार बनी है जिसमें 30 सीट लगभग कम आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये क्या अगर पैसे से खेल खेला जाता तो ये सीटें कम नहीं होती। रही बात मेरी, मैंने अभी आपको बताया था कि मान सम्मान दान, अगर मैं दान कह रहा हूँ तो मैंने मेरी जनता को दान भी जी भर के दिया होगा और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इसमें कोई चोरी चकोरी का काम नहीं है। व्यापार से, सरकार से जो मुझे कोई लाभ मिला है वो मैंने जनता जनार्दन को शेयर करने का काम किया, वो मैंने मेरे पास नहीं रखा, कुछ नहीं रखा है। ना अभी चुनाव में तैयार हैं, टक्कर सामने मैदान में चाहे कोई भी आए, आप रेडी हैं? नो बॉडी कैन टक्कर विद मी, अच्छा अलोन चुनाव जीतूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। देखिए आपकी भावना जानती है, आप चैनल के लिए किस प्रकार का काम करती हैं, आप किस हद तक अपने दिल से, मन से, लगन से आपने कैमरे अपने चैनल के लिए काम करती हैं। मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मैं मेरी जनता के लिए समर्पित रहा हूँ, शरीर से लेकर हर चीज़ अपनी जनता को समर्पित कर दी। और ये तय है, मैं आज आपको एक और नई बात बता दूँ कि अगर जनता मुझे ये चुनाव हराती है तो नैनपाल रावत हारने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, ये भी तय है। अच्छा, फिर संन्यास ले लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इससे ज्यादा जो मैंने जनता को दिया शायद ही कोई दुनिया का विधायक दे पाएगा, इसलिए मैं मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरीके से, मेरी जनता पे कॉन्फिडेंट हूँ। और निश्चित तौर पर कारण कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, चाहे पार्टी की टिकट से चाहे इंडिपेंडेंट, मैं दोबारा विधानसभा जाऊंगा, और पार्टी से नहीं लड़ेंगे? नो, बिल्कुल कोई पार्टी नहीं, इंडिपेंडेंट या बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के टिकट और या जनता की टिकट। सामने टेकचंद आ जाए तो कुछ मुकाबला देख लें। रही बात कुछ, देखिए मुझे 66,000 वोट मिले, लगभग 140,000-145,000 वोट पड़े थे,
अब आप ये देखिए कि मेरे विरोध में 80-85 हज़ार वोट पड़े हैं, 90 भी पड़े होंगे, क्या 66 हज़ार लोग ज़्यादा हैं 80-85 हज़ार? ऐसे तो विरोध करने वाले या किसी को भी चांद में भी दाग बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब आप जनता जनार्दन के पास जाएंगे तो एक बात तय है, जनता ये कहेगी कि नैनपाल रावत जैसा विधायक नहीं देखा, उस जैसा मान, उस जैसा सम्मान, उस जैसा दान कभी किसी ने नहीं दिया। और ये तय है कि मैंने जो चौधर होती थी ना, जब किसी को एमएलए से किसी को मिलना होता था तो वो ग्रुप बना के आता था, वो इसको ले से उसको, यहाँ रामराज है, यहाँ तो जो आएगा सीधा आके मुझसे मिलेगा। तो इसलिए हाँ, रियली कोई छोटा बच्चा है, गरीब है, कुछ भी है, और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, गांव हैं, कुछ नगरा हैं, जिनमें कंटिन्यू चाहे बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, हमारे यहाँ से फिक्स उनके लिए सहायता जाती है। तो ये पहली बार किसी विधायक ने किया होगा, कुछ 100 रुपये लिफाफे में नहीं देता, मैं 100 का नोट लिफाफे में देते थे मैंने, अगर जनता ने मेरे दुख को समझा। आपने एक बात कही कि मैं रो के बनाता, देखिए नहीं, मैंने नहीं कही, लोगों ने कही, जो कुछ लोग मुझे मिले। हाँ, आपने कहा, आपने कही, मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताई, जनता ने कहा कि रो के बने। देखिए, जब कोई व्यक्ति मन से लगन से, जैसे आज भी मैं प्रो भाजपाई के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हूँ। अभी कल कुछ अधिकारी कह रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट विधायक है, आपस में चर्चा कर रहे थे और मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, इंडिपेंडेंट विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता और एमएलए से आगे बढ़ के भाजपा के लिए काम करता है, और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और जब दुख होता है ना, जब दुख होता है तो आँख से आंसू बहते ही हैं। ये मेरे लिए किसी डेथ से कम नहीं था जब मेरी टिकट काटी, जबकि सर्वे में कोई मेरे सामने 90-10 का रेशो होगा, सर्वे जो हुआ था उसमें 90-10 का रेशो था 2019 में, मेरा मेरिट पे टिकट नहीं मिली थी ना, 2019 नहीं मिली ना, वही कारण था। तो जब दुख होता है तो व्यक्ति रोता है, और रोएगा तो अपनों के पास जाएगा, मैं जनता के पास गया। कल भी कोई दुख होगा, तकलीफ होगी, तो कल भी जनता के पास जाकर रोना पड़ेगा, क्योंकि जनता इस हर चीज़ का समाधान करती है, तो परमात्मा या जनता। और इसलिए जनता जनार्दन को, जनार्दन तो सबने कहा जनता को, जनार्दन मैंने बना के पूजा उसको, भगवान के रूप में पूजा मैंने जनता को, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, देखते हैं चुनाव सर पे हैं क्या रहता है, उम्मीद करते हैं आपको संन्यास लेना ना पड़े और जनता एक बार फिर से मौका दे। बहरहाल क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर जब जनता को ये दिखेगा कि मुझ में और एमएलए में क्या अंतर है, तो जनता के लिए समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरे लिए तो होगी, क्योंकि केवल एमएलए, देखिए आप 5 बार एमएलए बनो, आप 3 बार बनो, आखिर कितने लोग हैं, बंसीलाल जी ना रहे, चौटाला साहब ना रहे, हुड्डा साहब ना रहे, इससे पहले के लोग ना रहे, तो एक ना एक दिन तो किसी ना किसी एमएलए के पीछे एक्स लगना होता है। और जब मैंने अपनी हद से ज़्यादा जो मैं दे सकता था उससे ज़्यादा मैंने मेरी जनता के लिए कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। जैसे हमारे एक पूर्व विधायक हैं, वो 2 चुनाव हार गए हैं, रघुवीर तेवतिया जी, आज भी वो उनके सुपुत्र गांव रुक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, 2 चुनाव हार गए। भाई, जब जनता पसंद नहीं कर रही तो इनके पीछे लगने से क्या फ़ायदा है? जनता को पसंद है तो एक बार गलती हो जाती है, दोबारा बना देते हैं। अब मैं वही इस बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जनता ने मुझे पसंद ना किया, तो फिर इसका मतलब मैं जनता को मेरे ना काम पसंद है, ना मेरा नाम पसंद है, ना मेरे दाम पसंद है। तो इसलिए जब मेरा कुछ पसंद ही नहीं है तो फिर इसके पीछे लगने का कोई औचित्य नहीं है, आराम से। इसके अलावा भी बिजनेस करेंगे और काम करेंगे, बिजनेस काम धंधा पहले भी करता था, आगे शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा, क्योंकि ना मैं ये जनता से इसलिए ये चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति तुम्हें इससे ज़्यादा तवज्जो, इससे ज़्यादा तुम्हारे काम, रोजमर्रा में मेरे पास हज़ारों की तादाद, अभी आप देखो मेरे दफ्तर में जगह नहीं मिलेगी, ये 400 गज का ऑफिस है, हर कमरे में आदमी होंगे, बाहर आदमी होंगे, गर्मी में इस टाइम खड़े रहेंगे, और मैं भी पूरा समय इनको देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हो मैं आया नहीं हूँ, 2 बजे मेरे उद्घाटन है, उसके बावजूद मैं लोगों को पहले सुनूंगा, वहाँ के लिए लेट सोचता हूँ, जो घर पर आया उसको मैं मान सम्मान पूरा देता हूँ। तो मेरी प्रक्रिया बड़ी दूसरे किस्म की है, नाराज ना हो जाए, आप उनसे मीटिंग कीजिए और काम ये भी आप करके देख लो। अभी आप कितने समय से बैठे हैं, पहली बात तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ा, और अब उनसे भी क्षमा चाहूँगा। जब आदमी लेट होता है तो जो सामने बैठा हुआ उसका पेट भरना पड़ता है, और जब हम उनको यहाँ से जाएंगे, कहीं से भी बिजी होकर जाएंगे, अपने बिजनेस में लगे रहेंगे या अन्य कामों में लगे रहेंगे, फिर जाके उनसे खड़े खड़े 2-2 मिनट की बात करेंगे, तकलीफ उनको तब होती है या किसको पूछेंगे नहीं। जब मैंने प्रॉपर समय उनको देना ही है, कोई नाराज नहीं होता, 3 घंटे बैठते हैं, 4 भी बैठते हैं, आराम से बैठ के जाते हैं मेरे पास, और कंफर्टेबल फील करते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपको बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो नैनपाल रावत जी को आप सुन रहे थे, आश्वस्त हैं, तैयार हैं और जीत को लेकर साफ तौर पर एक बार ये कह रहे हैं, और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों
लोगों से ये बात कह रहा है कि मैंने जितने काम आप लोगों के करवाए या मैं जितना आप लोगों के बीच में रहा उससे ज़्यादा कोई भी रह नहीं सकता है, और मैंने तमाम काम करवा लिए हैं, किसी और को आजमा के भी आपने देखा, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर तस्वीर बिल्कुल अलग नज़र आई होगी आप लोगों को। जो सवाल हमने किया जब लोगों ने आरोप लगाए कि विधायक जी चुनावों से पहले नेताजी जब पहुंचे तो रो पड़े थे, तो रोए इसलिए क्योंकि दुख तकलीफ दर्द अपनों से ही बयां करते हैं और अपनों के बीच में जाकर ही वो दुख तकलीफ साझा की और उसी की वजह से वो आंसू आए और अपने लोगों के सामने ही आए और अपने लोगों से ही साथ की उम्मीद भी की और लोगों ने साथ दिया भी। अब फिर से क्या साथ देते हैं या नहीं देते ये आप पे छोड़ते हैं, लेकिन हरियाणा की इस चुनाव यात्रा पे लगातार हरियाणा न्यूज आगे बढ़ रहा है। आज पृथला का हाल आपको दिखाया, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें और आपके विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड भी उनसे बात करके उन्होंने पेश करने की कोशिश की। समर्थन कैसे देते हैं आप, देते हैं नहीं देते, या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर इस बार चुनाव हार गए तो, ये तय आपको करना है कि काम अपने करवाने हैं या फिर नैनपाल रावत जी को संन्यास दिलवाना है। बहरहाल मेरे साथ हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।